नमस्कार मित्रों, मैं वेद अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नीला धोथा यानी कॉपर सल्फेट से शुद्ध तांबा प्राप्त करके दिखाया था, और उसके बाद उसी शुद्ध तांबे को दोस्तों मैंने वरगद के दूध में रगड़ करके आपको ये टिकिया बना करके दिखाई थी। और ये अब आप देख सकते हैं, ये टिकिया बन चुकी है और सूख भी चुकी है। ये गिर करके टूट गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आपको इसे आग देने का तरीका यानी भस्म करने का तरीका बता रहा हूं। और ये दोस्तों वो तांबा भस्म तैयार होगी जो कैसी भी नामर्दी को केवल 7 खुराक में खत्म कर देगी। ये हम पहले भी काफी बार बना करके इस्तेमाल करवा चुके हैं, और जिन भाइयों ने पिछले वीडियो यहां तक के टिकिया बनाने तक के वीडियो ना देखे हों, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और इस टिकिया को दोस्तों 7 आगे दी जाएंगी, और पहली आग किस तरह देनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आपने आधा किलो आक के फूल ले लेने हैं। इसे मदार भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं और आक भी बोलते हैं। अभी दोस्तों सर्दियों में इसके फूल खिलते नहीं हैं, इसीलिए आपने फूल मिल जाए तो बेहतर है, बाकी कलियां भी आप ले सकते हैं। ये आप कलियां देख रहे हैं, ये आपने आधा किलो कलियां ले लेनी है, और इनका आपने मोटा मोटा कूट करके लूदा बना लेना है। अब दोस्तों आपने आधे लूदे को हांडी में नीचे की तरफ जमा देना है, और उसी लूदे पर आपने ये टिकिया रख देनी है, और बाकी बचा लूदा आपने टिकिया के ऊपर से अच्छी तरह से जमा देना है। अब दोस्तों आपने इस हांडी को बंद कर देना है, इसके ऊपर से इसका ढक्कन लगा करके आपने इसकी मिट्टी की सहायता से अच्छी तरह से गिल हिकमत कर लेनी है। दोस्तों अभी यहां पर 2 दिन से बारिश हो रही है और सूरज भी काफी दिनों से नहीं निकला है, इसीलिए हम अभी आप गीली हिकमत इसकी करेंगे तो ये सूख नहीं पाएगी, और काफी दिन ऐसे ही रखी रहेगी तो फिर इसकी जो गीली हिकमत है वो कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाने पर भस्म जल जाती है। इसलिए जैसे ही सूरज निकलता है फिर मैं इसे तैयार करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों जब आपकी ये गीली हिकमत अच्छी तरह से सूख जाए, फिर आपने इसे 10 किलो उपलो की आग देनी है। आप इसे बिरोसी में आग दे सकते हैं, या फिर जमीन में गड्ढा करके भी आप इसे आग दे सकते हैं। आपने 10 किलो उपले ले लेने हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करने के बाद आपने आधे टुकड़े किसी गड्ढे में नीचे की ओर डाल देने हैं, ऊपर से आपने ये अपनी गिल हिकमत की हुई हांडी रख देनी है, और बाकी बचे उपले के टुकड़े आपने ऊपर से रख देने हैं, और उसके बाद उसे हल्का सा सुलगा देना है। दोस्तों एकदम से इसे तेज आग नहीं देनी है, आपने ऐसे ही इसे सुलगा करके छोड़ देना है, और लगभग ये आग आपकी 24 घंटे तक रहेगी, और जब तक ये पूरी तरह ठंडी ना हो जाए तब तक आपने हांडी को बाहर नहीं निकालना है। और जब आग ठंडी हो जाए आपने इस हांडी को बाहर निकाल लेना है, और इसकी गीली हिकमत को हटा करके आपने अपनी टिकिया को बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों आपने उस टिकिया को खरल में डाल करके लगभग आधा घंटे के लिए अच्छी तरह रगड़ना है, और फिर से दोस्तों उसमें थोड़ा बरगद का दूध डाल करके आपने फिर से उसकी टिकिया बना लेनी है, और फिर से उसे आग के फूलों के लूदे में रख करके आपने फिर से आग देनी है, और फिर से टिकिया को बाहर निकाल के फिर से रगड़ना है, फिर से बरगद का दूध डाल के फिर से आपने आग के फूल के लूदे में फिर से इसे आग देनी है। और इस तरह दोस्तों आपने आग के फूल में इसे 3 आगे देनी है। अब दोस्तों 3 आगे कंप्लीट होने के बाद में आपने इस बार अपनी टिकिया को आंकड़े के दूध में ही रगड़ना है। शुरू के 3 बार आपने बरगद के दूध में रगड़ा था, अब आपने आग के दूध में रगड़ करके इसकी फिर से टिकिया बना लेनी है। और अब दोस्तों आपने इसे 4 आगे अजुवैन और लौंग के लूदे में देनी है। आपने 250 ग्राम अजुवैन ले लेनी है और 250 ग्राम लौंग ले लेनी है, और उसे कूट करके आपने लूदा बना लेना है, और अब 4 आगे इसे इसी तरह लौंग और अजुवैन में देनी है। और अब दोस्तों ये 4 आगे आपने सिर्फ 6 किलो उपलो की देनी है। पहली 3 आगे आपने 10 किलो की दी थी, और बाकी की 4 आगे आपने 6 किलो उपलो की देनी है। और 7 आगे दोस्तों कंप्लीट होने के बाद आपने इस टिकिया को निकाल करके लगभग 2 घंटे के लिए खरल में रगड़ना है, और अच्छी तरह रगड़ने के बाद दोस्तों आपने इसे चेक करना है कि आपकी भस्म ठीक से बन पाई है या नहीं। चेक करने के लिए दोस्तों आपने लगभग आधा चम्मच दही ले लेनी है जो बिल्कुल सफेद हो, और उसमें आपने थोड़ी सी आपने ये भस्म डाल देनी है, लगभग 1 से 2 रत्ती, और उसे आपने उस दही में अच्छी तरह से घोल देना है।
फिर आपने उस दही को लगभग 30 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है, धूप में नहीं रखना, छांव में रखना है। और 30 घंटे बाद दोस्तों आप देखेंगे अगर आपकी वो भस्म, सॉरी दही, नीली, हरी या लाल हो जाए तो आपकी भस्म कच्ची है। वैसे तो दोस्तों इस तरह से 7 आगे देने के बाद कभी भी भस्म कच्ची नहीं रहती है, क्योंकि ये तीसरी बार आग देने में ही भस्म हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे 7 आगे दी जाती हैं, तो ये कच्ची कभी नहीं रहती। और फिर भी अगर बाय चांस कच्ची रहती है तो आपने इसे फिर से आगे देनी होगी और फिर से चेक करना होगा। और जब दोस्तों आपकी ये भस्म तैयार हो जाए फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी खुराक दोस्तों एक चावल के दाने के बराबर लेनी है आपने, मक्खन मलाई या दूध के साथ। इसे खाने के लिए आपने सीधा मुंह में नहीं डालना है कि आप मुंह में डाल लो ऊपर से मक्खन खा लो, इस तरह नहीं खाना है। आपने इसकी खुराक को मक्खन मलाई या दूध में मिला लेना है अच्छी तरह से, और फिर उस चीज को इस्तेमाल करना है। और इसकी खुराक आपने सिर्फ एक टाइम लेनी है, दिन में सिर्फ एक बार, खाना खाने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद। और दोस्तों ये इतनी ताकतवर भस्म होती है जो कुछ ही खुराकों में कैसी भी नामर्दी को जड़ से खत्म कर देती है। मरे हुए लिंग में भी ये भरपूर तनाव आता है इसके इस्तेमाल से, और इसके इस्तेमाल से टाइमिंग में भी काफी सुधार होता है। और जो भस्म दोस्तों बरगद के दूध में रगड़ करके बनाई जाती है वो टाइमिंग के लिए भी अच्छी होती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।